आनंद आता है जी। हम भी इनके साथ 16 साल से जुड़ रहे हैं जी, और संगत लेके आते हैं जी, सबको आनंद मिलता है, सबको शांति मिलती है जी। तेरे नाम में आनंद ही है, यहाँ पे आके सबको सुख मिल जाता है जी। तो यहाँ पर आ करके कैसा आनंद प्राप्त होता है? इनसे पहले हमारे बड़े आते थे, अच्छा, तो उनके बाद ये आने लगे जी। इन्होंने हमें अपने साथ जोड़ दिया, हम आने लगे, अभी हमारा बेटा है ये जी, अभिनंदन जी, तो अभी आने लगे आगे, ऐसे से प्रेरित होते जा रहे और आते जा रहे। इतना जो परम सुख का आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण के चरणों में, तो ये प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई, कैसे शुरुआत हुई? बड़ा मुश्किल लगता है जी वापिस जाने के लिए। हम मौजूद हैं कृष्ण की धरती गोकुल महाबन की ओर, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्तगण हैं जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार यहाँ कृष्ण दर्शनार्थियों, कृष्ण के अनन्य भक्तों के दर्शन के लिए पूरा मथुरा गोकुल वृंदावन कवर करने के लिए आते हैं, और इनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इस स्वप्रेरणा के बारे में, कृष्ण के प्रति इस अनन्य प्रेम के बारे में। स्वागत करते हैं आपका, आपका परिचय सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राहुल कपिल है जी, मैं यमुनानगर रहता हूँ जी। आप यमुनानगर हरियाणा से आए हैं, जैसा कि हमें पता चला है कि पिछले 30 वर्षों से लगातार, मतलब स्वयं की प्रेरणा से, श्री कृष्ण की प्रेरणा से, महाप्रभु की प्रेरणा से 30 वर्षों से लगातार भक्तों के दर्शनार्थियों के दर्शन कराने के लिए यहाँ हर बार आते हैं, तो कैसे ये प्रेरणा मिलती है? इतना जो परम सुख का आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण के चरणों में, तो ये प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई, कैसे शुरुआत हुई? अंदर से हमारी भावना जागी जी, और ये हमारे बड़े भैया हैं गजेंद्र भैया जी, तो ये पहले बस ये लेके आते थे जी, तो इनके बाद ये हमारे साथ लगे, हम इनके साथ लगे जी, तो अब उनके साथ हम जो है 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं जी भगवान कृष्ण के साथ। तो गजेंद्र जी, आप पिछले कितने वर्षों से लगभग ये कार्य कर रहे हैं, परम कार्य? मेरे को 35 से 36 साल हो गए हैं जी, इसी धरती पे आते हुए जी, वृंदावन आ रहे हैं जी, और ये हमारी सेवा शुरू से ही है जी, जिस काम सेवा करें जी, और जो लोग हमारे साथ जुड़े जी, कि अधिक से अधिक जो बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते वो उनको भी हम साथ लेके चलें, क्योंकि वो भी इसका आनंद ले सकते। पहली बार आप श्री कृष्ण की धरती मथुरा वृंदावन गोकुल में पहली बार कब आए थे अपने जीवन में? अब इतना तो मेरे को मतलब जब ये आखिर जब यहाँ पर आए होंगे तब प्रेरणा मिली होगी। इनसे पहले हमारे बड़े आते थे, अच्छा, तो उनके बाद ये आने लगे जी, इन्होंने हमें अपने साथ जोड़ दिया, हम आने लगे, अभी हमारा बेटा है ये अभिनंदन जी, तो अभी आने लगे आगे, ऐसे से प्रेरित होते जा रहे और आते जा रहे। मतलब ये एक तरीके से ऐसी स्वप्रेरणा है कि जो पीढ़ीगत तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और अनवरत बिना किसी लाभ और बिना किसी हानि के प्रभाव के जो है अनवरत चलती हुई यात्रा है। कितने भक्तों को आप लोग यहाँ दर्शन कराते हैं, ये जो पूर्ण प्राप्त करते हैं? अभी हम 70 आदमी आए हुए हैं जी इस बार। हाँ जी, और अब तक लगभग जो ये 35 वर्षों की यात्रा रही है, कितने हजार यात्री यहाँ पर आ चुके होंगे? 4-5 हजार यात्री हमने, 4-5 हजार यात्रियों को आपने मथुरा के दर पर ले आया और जो तो कृष्ण के दर्शन कराए। कहते हैं मथुरा मोक्ष का भी द्वार है, तो यहाँ पर आ करके कैसा आनंद प्राप्त होता है? एक अलग ही आनंद है इसका जी, हम अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे आने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति है जी, हम अलग ही एक, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हाँ, मतलब वो एक जो उसको सुख है ना, जो हमारे मन को संतुष्टि है, तो वो एक अलग ही बात है, बस अंतर सुख को बता नहीं सकता। अंतर सुख को आनंद अंतर मन ही भावे, जो आनंद है वो मन के अंदर ही है, उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जब आप भक्तों के साथ यहाँ पर आते होंगे और ये लगातार चलती हुई प्रक्रिया है, बहुत सारे भक्त होते होंगे जिनकी हार्दिक इच्छा होती होगी श्री कृष्ण की धरा के दर्शन के, तो कैसा उनका व्यवहार कैसा होता है अगर हमारे साथ कोई भक्तगण हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं? हमारे पंडित जी जी 16 साल से आ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, तो आप इनसे पूछो, आप तो कैसा लगता है यहाँ श्री कृष्ण की धरती पर आकर के? यहाँ बहुत आनंद आता है जी, हम भी इनके साथ 16 साल से जुड़ रहे हैं जी, और संगत लेके आते हैं जी, सबको आनंद मिलता है, सबको शांति मिलती है जी, यहाँ की धरती का आनंद ही अलग है। कैसे यात्रा ये शुरू होती है और कैसे फिर यहाँ से वापस जाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मन ही नहीं करता जी, मन नहीं करता जी, तो पंडित जी तो बड़े उस भाव से वापस जाते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है जी वापस जाने के लिए। ये यहाँ आने के लिए बहुत खुश होंगे जी, जब जाने का टाइम होगा तो रोएंगे, दुख होता है यहाँ से विदा के समय, बहुत बहुत मन जो है जी भारी हो जाता है मन के अंदर जब वापस जी। आपके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करने चाहेंगे, आप भी भक्त हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों में आए हैं, कितने बार से आ रहे हैं आप यहाँ पर? चार बार आ चुका हूं जी, हर बार कुछ नया मिलता है, कुछ आनंदित मिलता है, कुछ प्रेम मिलता है, कुछ अनंत मिलता है। राधे नाम में आनंद ही है, यहाँ पे आके सबको
सुख मिल जाता जी। लगभग कितने दिनों का ये टूर होता है आप लोगों का? अभी हम 4 दिन के लिए आए हैं जी, होली पे भी आते हैं, 8 दिन के लिए। मतलब वर्ष भर में कई सारी यात्राएं कर लेते हैं आप लोग, दो बार कम से कम। चलिए, अन्यतम प्रेम जो है, जो अन्यतम कृष्ण की भक्ति है, आप लोगों को मिल रही है। श्री राधे और कृष्ण आप लोगों के ऊपर ये कृपा बनाए रखें और अनवरत आप लोगों की ये यात्रा चलती रहे। हम ऐसी कामना करते हैं, श्री राधे के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। बने रहिए टीम खबरदार शहरयार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।